चार दिन हो चुके हैं ऐसे लग रहा है चार महीने हो चुके हैं इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर आके बुरा लग रहा है ना ये एक लड़की है बेचारी लड़की ना मेंटल कंडीशन ना ठीक नहीं है फ्रेंड्स मुझे तो इतना दुख हुआ ना कि मैं आपसे डेली ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ और कल मैं आपसे ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ठीक है एक ये और एक फ्रेंड आपको पता ही है कि सो के उठी हूं तो पता चला कि मुझे तो डिस्चार्ज कर दिया मैं बड़ी हैरान कि ये कैसे तो और भी पेशेंट वगैरह थे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया बिसमिल अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं अभी सुबह का टाइम हो चुका है मैं स्टीम लगा आ रही हूँ और चार दिन हो चुके हैं ऐसा लग रहा है चार महीने हो चुके हैं इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर आके बुरा लग रहा है ना ऐसे लग रहा है मैं कहीं पे कैद हो गई हूँ और ये देखे ये बैग है इसके अंदर सामान है और अभी देखे ये डस्टिंग वाले अंकल आए थे ये कर रहे थे डस्टिंग तो इतना ज़्यादा गंद डाल दिया इतना जाले वगैरह तार सबको खान लग पड़ी इतनी डस्ट इतनी डस्ट इतने यहाँ पे पेशेंट इनको तो ज़रा एहसास नहीं हुआ बड़ा कहा बस कर दो अब तो छोड़ दो अब तो छोड़ दो पर नहीं इनकी तो ड्यूटी थी कहते नहीं मेरी नौकरी का सवाल है चाहे जो मर्जी हो मैंने करना है सब ने हॉस्पिटल में फिर मास्क पहने सब बिल्कुल कहे अब तो छोड़ दो अब तो बस कर दो ये के बस करने का नाम ही नहीं थे बड़ी मुश्किल से गए हैं तो ये देखिए आप नाश्ता कर रहे हैं आज हमने सोचा क्या बार बार घर से चाय मंगानी आज तक तो से चाय पी के टेस्ट करते कैसी है मैं हमेशा घर से चाय पीती होती हूँ पहली दफा ये बाहर से चाय पी इतनी बुरी थी इतनी घटिया ऐसे पतला पानी सिर्फ कलर ऐसे लग रहा था चाय का मैंने बस दो तीन सिप पिए एक बिस्किट खाया बस और कुछ भी नहीं ये मेरे साथ वाले बेड पे ना एक शिफ्ट हुई हुई है ये एक लड़की है बेचारी लड़की ना मेंटल कंडीशन ना ठीक नहीं है फ्रेंड्स मुझे तो इतना दुख हुआ ना कि मैं आपसे डेली ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ और कल मैं आपसे व्लॉग नहीं शेयर कर पाई उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ठीक है एक ये और एक फ्रेंड आपको पता ही है कि पहले भी इस हॉस्पिटल में फोतगी हो चुकी थी और फिर एक और फोतकी हुई है इस हॉस्पिटल में और इसी वार्ड में इसी रूम में हमारे सामने वाले बेड में तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैंने कहा ये क्या हो रहा है दो दो फोतकियाँ मैंने देखी मैं तो कभी भी नहीं देखी तो मैं बड़ा डर गई ऊपर से फिर सारे रोते भी हैं उससे भी घबरा गई और ये बेचारी जो लड़की इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी तो इसीलिए ये भी नहीं थी चुप कर रही और बस बोलती रहती थी अपने से ही और इस तरह जब सोती थी ना सिर्फ तब चुप करती थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाई ना मैं बना पाई इसलिए मेरा एक दिन का ब्लॉग मिस हो गया के बाद मामा चलेंगी घर जान के पास और बाबा इधर आ गए फिर से नर्स ने इंजेक्शन लगाया सुबह सुबह भी लगता है दोपहर को भी और पता नहीं कब कब लगता है मुझे तो इंजेक्शन से नफरत हो गई थी ड्रिप पैक इतनी टाइट हो रही थी ना कि मेरा अपनी कार खींच के तार दूँ काब से पहनी हुई आई देखे दो हद इंजेक्शन ये लगे इतने इंजेक्शन लगाए हैं इतनी मेडिसिन खाई है ना कि मुझे ना आइज में भी इन्फेक्शन हो रहा था आइज रेड हो रही थी इतने गर्म थे उसके बाद फिर मैं सो गई जब ममा चली गई इतना मैं बोर हुई मैं सो गई मैंने कहा चलो शाम को आना है ममा ने तो अभी मैं सो के उठी हूँ तो पता चला कि मुझे तो डिस्चार्ज कर दिया मैं बड़ी हैरान हूँ मैं ये कैसे तो और भी पेशेंट वगैरह थे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं इससे अब रिएक्ट क्या करूँ खुश हूँ या परेशान हूँ मैं कह चलो लोग जहाँ तो नहीं हूँ खुशी हो जाती हूँ और खांसी का तो इतना फ़र्क नहीं है खांसी तो अभी भी है सांस में थोड़ी बेहतरी आई है शुक्र है पहले मैं दो तीन घंटे बाद लगाती थी ना ऑक्सीजन अब पाँच से छः या सात घंटे गुजर जाते हैं कम अज़ कम इतने गुजर ही जाते हैं तो ये देखे बड़ी देर बाद जाके बाहर का मैंने नज़ारा देखा अब हम जा रहे हैं घर की तरफ सामान वगैरह हमने पहले पहुंचा दिया था एक लड़का था यहाँ पे काम करता है तो बाबा की उनसे जान पहचान है उनके हाथ घर में सामान भिजवाया और यहाँ पे मैं जा रही हूँ व्हील चेयर पर अभी मामा को नहीं था पता कि मैं आ रही हूँ क्योंकि अचानक ही उन्होंने डिस्चार्ज किया ना डॉक्टर ने इसलिए और भी पेशेंट्स को कर दिया मैंने कहा रेस्ट करूँगी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी सबसे मिलूंगी फिर मैं घर आई सबसे मिली रेस्ट किया थोड़ा सा बातें वगैरह की और सब बड़े खुश हुए मुझे देख के मैंने भी सबका हाल पूछा सबने मेरा भी फिर हॉस्पिटल की स्टोरियाँ पूछी कि वहाँ पे क्या होता था इस तरह वगैरह मैंने कहा ब्लॉग नहीं देखे मेरे इतना परेशान थी मैं वा... मैंने कभी अपनी आंखों के सामने इस तरह फोद की नहीं देखी इतने करीब से वहाँ पे मैंने दो दो फोदकियाँ देख के आई हूँ ऊपर से वो बेचारी लड़की उसकी कंडीशन भी नहीं थी देखी जा रही मुझसे तो मैं खुद बीमार थी तो मैंने सारा बताया तो देखे मैं घर जब आई ना ममा ने ना चिकन बनाया हुआ था तो ममा कह रही मैं तो रोटी बना के ना क्योंकि साढ़े तीन बजे या चार बजे तक ममा आ जाती हैं हॉस्पिटल आ जाती हैं ना और फिर घर में जो भी बनाया होता है खाना सालन वगैरह फिर वो भी लाती हैं तो ममा कहती मैं चिकन बना लिया था नमाज पढ़ के रोटी बना के ना फिर निकलने की तैयारी करने लगी थी कि वो हॉस्पिटल जाना है अचानक से वो लड़का आया सामान देने उसने कहा डिस्चार्ज कर दिया तो आपकी बेटी भी आने वाली है मम्मा तो कहती हैं ये कैसे फिर सबने कहा चलो सही है बात जाएंगे ना घर ये भी बड़ी ड्यूटी होती है ना हॉस्पिटल में रहना तो मैं फिर घर आई तो मुझे तो खाना ही नहीं तो खाया जा रहा इंजेक्शन लगा लगा के बुरा शिर किया हुआ है इतना ज़्यादा कि मुझे कुछ भी नहीं खाया जा रहा और गला भी खराब है तो जो भी खाती थी मिर्चें लगती थी मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने तो नहीं खाना खाना इतना मसाले वाला तो ये है तो मैंने नहीं खाना मुझे चाय दे दे और फिर साल मामा ने केक रस दिए मैंने चाय और केक रस खाए फिर कुछ और आम तो हॉस्पिटल में ही आ गया था सांस का बाकी खांसी का तो आहिस्ता आहिस्ता है तो इंशाल्लाह श्ला आप घर में भी केयर करेंगे एहतियात करेंगे और दुआ वगैरह आप सब ज़रूर करना क्योंकि दिशान को भी खांसी लगी है मुझे भी और इस तरह रह, रह के मामा को भी लग गई है तो इसलिए आप सब दुआ करना मौसम भी बड़ा ख़राब है तो फ्रेंड्स अभी भी खाना वगैरह ख़त्म ही किया था चाय पी रही थी और साथ साथ मैं बातें कर रही थी बहन भाइयों से अचानक से ना एक फ़ोन आया और हमें पता चला कि डेथ हो गई है हम बड़े हैरान किसकी पता चला कि मेरे जो बाबा है ना उनके बाबा की मतलब कि मेरे दादाबू की मतलब कि हम सब हैरान भी हुए और परेशान भी हो गई ये सब क्या हो रहा है और अभी है भी शाम का टाइम था मगरीब का टाइम हो रहा था तो कल होगा फिर जनाजा फोत की फिर कल जाके करेंगे ना तो अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड वगैरह है मेहमानों वगैरह ने भी आना है मामा भी रोने लग पड़ी थी बाबा भी परेशान हो गए थे मैं तो इतनी परेशान हो गई मैंने कहा दो, दो फूत क्या देख आई भी। तो भी के आई हूँ अभी तो अभी गरा आके पता चला एक और फोत की हो गई है और दादा बहू मतलब पता ही नहीं चल रहा था यकीन ही नहीं था आ रहा ये कैसे हो गया अचानक वो वैसे मेरे दादा बहू ना पहले भी बीमार थे पर ये नहीं था पता अचानक हो जाएगा इसलिए दुख हुआ आप सब भी मेरे दादा बहू के लिए दुआ करना अल्लाह पाकर उनको जन्नत में जगह दे और मतलब घर गेस्ट वगैरह ने भी आना है और हो सकता है हमारी तरफ भी आएंगे ना फिर मामू लोग वगैरह भी अगर आए या खाला लोग या जो भी गेस्ट वगैरह तो इसलिए आज का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा सैड था चलो ठीक है फ्रेंड इंशाल्लाह आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सब अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़ We'll you